नरेंद्र नगर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के लिए जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने नरेंद्र नगर पहुंचकर विद्यालय के छात्रों व शिक्षकों के साथ बाजार के मुख्य मार्गों पर निकाली गई रैली का नेतृत्व किया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष राजेंद्र विक्रम सिंह पंवार, वन मंत्री सुबोध उनियाल के जिला प्रतिनिधि विनोद गंगोटी और पालिका सभासद मौजूद रहे। टिहरी जिले के जौनपुर ब्लॉक मुख्यालय थतियोड़ में सरस्वती विद्या मंदिर के छात्रों के द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई। रैली सुक्तियाना बाजार से ब्लॉक के प्रवेश द्वार तक पहुंची और वापस विद्यालय परिसर में ही संपन्न हुई। प्रधानाचार्य राजेंद्र खंडारी ने बताया कि रैली के माध्यम से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। यात्रा के दौरान भारत माता के जय घोषों से आमजन को देशभक्ति का संदेश दिया गया तथा तिरंगे के प्रति सम्मान को जगाया गया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बेरीनाग में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा बाइक रैली निकाली गई। रैली का उद्घाटन स्थानीय विधायक फकीर राम टमटा के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि गंगोली हाट विधानसभा के सभी घरों पर तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश की आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। वर्ष आजादी का ये वर्ष है, इसको अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है, पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जनपद पौड़ी जिले के चौबटाखाल विधानसभा के एक गांव में युवती से दुराचार करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं और अलग अलग जाति के हैं। मामले में परिजनों की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने दुराचार और SC/ST सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन राजस्व पुलिस के काम नहीं करने के कारण ये मामला DM के आदेश पर रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया गया। मामला ग्राम गुल्ली और थाना सतपुली क्षेत्र का मामला है, तो दिनांक 28/7/2022 को मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें अपराध संख्या 1/2022, धारा 374, 506 और SC/ST एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। एक युवती, एक दोनों एक ही गांव के थे, उसके घर वालों ने इसमें आपत्ति दिखाई कि हम कैसे इस लड़की को जो है रखेंगे, इसके घर में गए, इन्होंने शादी करने से मना कर दिया और इसमें इन्होंने ये घर से खुद फरार हो गए और 3 तारीख को ये फरार हुए और हमने इनको जो है आज जो है कोर्ट द्वार से जो है गिरफ्तार कर लिया है। आगे इनको न्यायालय में पेश किया जा रहा है, जो माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने तिरंगा पदयात्रा निकाली। मंत्री रेखा आर्य ने कचहरी स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया और उसके बाद सभी लोगों को हर घर तिरंगा अभियान में जुड़ने की अपील की। आजादी का अमृत काल और इस सुनहरे अवसर पर हमारा देश का प्रतिनिधित्व हमारा तिरंगा करता है। हमारी मान मर्यादा, हमारी प्रतिष्ठा का वह प्रतीक है, हमारी आन बान शान का वह प्रतीक है। उस प्रतीक को हमारे अपने हर घर में वह सजे धजे, वो संकल्प लिया गया है और प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका आह्वान किया गया है। तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में लगभग 3 किलोमीटर की यात्रा कचहरी शहीद स्थल से आपके पुलिस लाइन शहीद स्मारक तक की गई है। पूरी यात्रा जन जागरण तिरंगा को लेकर की गई है। यह आह्वान और अपील और आग्रह किया गया है कि हर व्यक्ति अपने घर में सबसे पहले अपने घर में स्थापित करे, उसके बाद में पड़ोस में करे, उसके बाद में गली मोहल्ले में करे, उसके बाद में समाज में करे। आज वह यात्रा उस रूप में जो है निकली है और सभी ने संकल्प लिया है। हम चाहते हैं कि हमारा पूरा देश, हमारा उत्तराखंड ये देवभूमि है, ये पूर्णतः तिरंगामय रंग में रंग जाए, वह हम सब लोगों ने यहाँ से संकल्प लिया है। मैं मानती हूँ कि 15 अगस्त तक हमारा पूरा देश तिरंगामय रंग चुका हो। आजादी के अमृत महोत्सव पर पूरा देश जश्न मना रहा है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ से पूर्व शनिवार को पुलवामा में शहीद हुए मोहन अग्रवाल के घर पर शहीद की पत्नी चंद्रा देवी व उनके बेटे के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट व प्रभारी प्रेम चंद्र अग्रवाल ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर चंबा पहुंचे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा रैली निकाली। यात्रा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि तिरंगा हमारे आन बान और स्वाभिमान का प्रतीक है। देश की आजादी के लिए जिन वीर शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी है, उन सभी को नमन करता हूं। माननीय मोदी जी, जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देशवासियों से कहा कि अमृत महोत्सव जो हमारा 75वीं वर्षगांठ है आजादी की, उसको बड़े उत्साह के साथ हम मनाए हैं, हर घर तिरंगा। और आप देखिए, चंबा के इस पावन धरती पर मैं खड़ा हूँ, सैकड़ों हजारों तादाद में यहाँ के लोग, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के सम्मानित जन साथ चल रहे हैं
और सबके मुंह में बस एक ही बात है, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मुझे लगता है कि मैं दो दिन यानी कि आज टिहरी जनपद, कल मैं उत्तरकाशी जनपद के जिस प्रकार से प्रवास में हूँ, नयननगर से शुरू हुआ, नयननगर आगरा खाल, फिर यहाँ, फिर आपके बाद चिन्याली चौक उत्तरकाशी, फिर आपका लमगांव, टिहरी और कोटी, मुनि की रेती, चंबा, ये सारे क्षेत्रों में जिस प्रकार से उत्साह देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति ने ठान लिया है कि हम सब अपने घरों में तिरंगा लगाएंगे। और मैं सबका धन्यवाद भी कर रहा हूँ, एक विनती आपके माध्यम से जरूर करूँगा कि हम इस तिरंगे का सम्मान जरूर बना के रखें, क्योंकि आज तो हम खुशी से लगा रहे हैं, उमंग के साथ लगा रहे हैं, खुशी के साथ मना रहे हैं, उत्साह के साथ लगा रहे हैं, लेकिन ये जब तक लगा रहे हैं तब तक इसका सम्मान रहे, किसी प्रकार का इसका निराद रहना हो, बस ये अपील जरूर करूँगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर चंबा आए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी के लिए प्रस्थान किया। उनके जनसंपर्क अधिकारी के द्वारा बताया गया कि कंडीसौड़ से आगे खाड़गांव के पास भूस्खलन होने के कारण प्रेमचंद अग्रवाल कुछ दूर पैदल चलकर चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी पहुंचे और हर घर तिरंगा अभियान में प्रतिभाग किया। उन्होंने बताया कि कैबिनेट मंत्री के द्वारा 14 अगस्त 2022 को लमगांव, प्रतापनगर, कोटी कॉलोनी और टिहरी में प्रतिभाग किया जाएगा। जनपद पौड़ी में खेल विभाग की ओर से आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर कंडोलिया थीम पार्क से देवप्रयाग रोड तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली को स्थानीय विधायक राजकुमार पौड़ी तथा जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला खेल अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि साइकिल रैली के विजेताओं को खेल विभाग की ओर से पुरस्कृत भी किया गया है। तो सर यही चाहता हूँ कि जैसे ऋषिकेश है हमारा रिवर राफ्टिंग का हब जिसे बोलते हैं, वैसे हमारा जो पौड़ी है वो माउंटेन बाइकिंग का हब बन सकता है। और उसके लिए जितने भी मेरे साइकिलिस्ट हैं, हम सब पूरी मेहनत कर रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, भले हमारे पास कोच नहीं है बट फिर भी हम अपने लगे हुए हैं हम लोग साइकिल। लद्दाख सच में बोलूँ तो मतलब मेरे को इतनी खतरनाक चढ़ाइयाँ और इतना अच्छा मतलब इतनी ब्यूटी वो नहीं मिली, मतलब पौड़ी तो बेस्ट हमारा कंडोला वाला चढ़ाई है, उससे खतरनाक चढ़ाई कहीं तक नहीं। जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में पूरे भारत में मनाया जा रहा है और सभी जगह जो है तरह तरह की रैलियां, जैसे तिरंगा यात्रा और सवेरे जो है प्रभात फेरियां निकल रही हैं और सभी का एक ही मकसद है कि हम लोग तिरंगे की जो अपना गौरव है, उसका जो सम्मान है, उसका जो उसका मान सम्मान गौरव इसका है अपना, इसको हम प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाएं। जिन लोगों को जो हमारी नई पीढ़ियां हैं कम से कम उनको भी जो है तिरंगे के बारे में मालूम होना चाहिए और तिरंगा क्या है उनको इसके बारे में जानना आवश्यक है। इसलिए भारत सरकार ने इस समय जो है हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इस शुभ अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और आज यहाँ पर खेल विभाग के द्वारा ये साइकिलिंग रैली जो यहाँ पर की गई है ये भी इसी का एक हिस्सा है। अमृत महोत्सव के अवसर पर हम जनपद में विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं। आज पौड़ी में कंडोलिया मंदिर के समीप हमने साइकिल रैली का आयोजन किया है। साइकिल रैली में विभिन्न बच्चों ने प्रतिभाग किया है और 14 अगस्त को हम यहाँ पर एक क्रॉस कंट्री दौड़ का भी आयोजन कार्यक्रम करने जा रहे हैं। 15 अगस्त को विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे जिसमें विभिन्न स्थानों पर झंडारोहण कार्यक्रम होगा, विकासखंडों में, तहसीलों में और मुख्यालय में। इसके अलावा अमृत सरोवर जो हमने निर्माण किए हैं, 111 अमृत सरोवर हमारे निर्माणाधीन थे, उसमें से 40 हमारे पूर्ण हो चुके हैं, तो उन सभी 40 पूर्ण सरोवरों पर झंडारोहण का अभियान किया जाएगा, उसमें से भी सम्मानित अतिथिगण के हाथों से झंडारोहण किया जाएगा। इस वर्ष का जो विशेष थीम है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरुआत किया गया है, हर घर तिरंगा अभियान, उसमें हमने 1,60,000 झंडों का वितरण जो जनपद में किया हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र और नगर क्षेत्र में मिला के। हम सभी जनता से अनुरोध करते हैं कि अपने घरों पर आप झंडा रोहण करें और झंडा का जो सम्मान होता है सम्मानपूर्वक उसकी रक्षा भी करनी है।